तेरी बहन आ रही है राखी में? एक ही तो बहन है, क्यों नहीं आएगी? मेरी जिंदगी में तो चाचा मामा बुआ ने मिलके 7-8 बहनों की व्यवस्था कर दी है। बस बस रुकना, दुकान आ गई। आओ बड़े भाई आओ, बताओ बताओ क्या दिखा दे? थोड़ी दया दिखा दीजिए, ये राखी कल मेरी बहन लेके गई थी, इसे वापस कर लीजिए। पहली बात तो ये कि मैं कैसे मान लूँ ये राखी मेरी ही दुकान की है? अरे दुकानदार एक बार अपने घर वालों को पहचानने में भूल कर सकता है, लेकिन अपनी दुकान के सामान को पहचानने में नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता ना कि ये राखी मेरी दुकान की है या नहीं। तो क्या अब DNA टेस्ट कराऊं राखी का? तुम्हारी दुकान की है भाई, कल ही लेके गई है मेरी बहन। अच्छा, कितने बजे आई थी लगभग? वही शाम के 5 बजे आई होगी अपनी सहेली के साथ। हाँ एक लड़की आई तो थी, लेकिन उसके साथ में सहेली नहीं थी, एक लड़का था। अच्छा सहेली नहीं थी, मतलब छोटी बहन ने मेरे लिए छोटा जीजा ढूंढ लिया। हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे थे मुझे तो। लड़का दिखने में कैसा था? ठीक ठाक था, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला। हाइट कितनी रही होगी उसकी? ठीक ठाक थी, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा छोटा। ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा छोटा, भाई कुछ तो कंफर्म बता दे। आसमान के तारे थोड़ी पूछ रहा हूँ जो गिन नहीं सकता तू। हाँ होगा कुछ 5.5 फुट का। और वजन कितना रहा होगा? वजन? एक काम करो ना, उसका BP शुगर थायराइड कितना था ये भी पूछ लो। अच्छा सॉरी, मैं पता कर लूँगा बाकी, लेकिन ये राखी तो वापस कर लो, तुम्हारी दुकान की है। चलो मान लिया कि ये मेरी ही दुकान की है, लेकिन मैं बिका हुआ माल वापस नहीं लेता। अच्छा बिका हुआ माल वापस नहीं लेते, ठीक है। अब और कुछ लेना हो तो बताइए, नहीं सुबह ही सुबह भवानी मत खराब कीजिए भाई साहब। एक काम करो, ये 2 राखियां और दे दो। ये लो। बुरा मत मानना भाई साहब, लेकिन दुकानदारी में थोड़ा सख्त होना पड़ता है। हाँ ठीक है, लो पैसे लो, खुल ले। ठीक है भाई साहब, फिर आइएगा। ओ भाई साहब इस पे तो टेप लगी हुई है। तो वो टेप अपने मुंह में लगा लो, क्योंकि दिया हुआ नोट हम भी वापस नहीं लेते। कहाँ चलना है अब? चलो थोड़ा छोटे जीजा से तो मिले। ये कहाँ लेकर आ गया तू? यहाँ तोता मैना आते हैं। इतने दूर हम पक्षी देखने आए हैं? अबे अकल के अंधे, यहाँ 2 प्यार करने वाले चाय पीने आते हैं। अच्छा तो हम यहाँ क्या करेंगे? अंदर चल, सब बताता हूँ। अरे तो सब बता दे फिर, अंदर चल जल्दी आ। पता है कल हम जो राखी लेके आए थे ना, वो भैया को अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? वो भैया बोल रहे थे मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है? तुम्हारे भैया को राखी चाहिए कि बेल्ट? भैया तेरा छोटा जीजा, देख के तो छटा हुआ जीजा लग रहा है। अब क्या करेगा? ढोलक लेने से पहले क्या करते हैं? बजाते हैं। हम भी बजाएंगे, फिर देखेंगे ताल से ताल मिलती है कि नहीं। वो मुझे भूख लग रही थी। ठीक है मैं चप्पल लेके आता हूँ। शुरू करें? देख हल्ला मत करना, मैं तो पीट पीट के ढोल बना दूंगा। पहले तो ढोलक बोल रहा था। आपको कहीं देखा है भाई साहब? मैं महात्मा गांधी हूँ,
नोट में देखा होगा। यहाँ किस लिए आया है? उससे आपको क्या करना है? भावना को जानता है। लेकिन आपकी भावना मुझे पीटने की लग रही है। अबे झंडू, किसी भावना नाम की लड़की को जानता है? हाँ जानता हूँ। क्यों, क्या हो गया? उसका एक बड़ा भाई है। हाँ है, लेकिन देखा नहीं है। बस तो बेटा, मैं ही हूँ भावना का बड़ा भाई, दर्शन देने आया हूँ तुझे। और मेरे भी दर्शन कर ले। सॉरी भैया, लेकिन हम दोनों तो बस दोस्त हैं। बेटा, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए तो इसको एक बार पी लिया हो गया था। तू मुंह बंद रखेगा? ये बता, तू काम क्या करता है? जी, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। क्या, पोस्ट ऑफिस में? जी, पोस्ट ऑफिस में। अरे तो बताइए, क्या बोलूँ मैं आपको? मेरा नाम मेहुल है, तो मेहुल ही कहिए। अरे मेहुल तो आपका नाम हो गया, मैं क्या बोलूँ? जीजा बोलूँ, जीजू बोलूँ? समझा नहीं मैं। मुझे अपनी बहन के लिए आप पसंद हो। सच में? जी बिल्कुल। तो मम्मी पापा को लेकर घर आइए ना। जी बिल्कुल, आएंगे घर, लेकिन उससे पहले मम्मी पापा को लेके आपके ऑफिस आएंगे। क्यों? अरे वो मम्मी पापा का आधार कार्ड अपडेट कराना है। ठीक है जीजू, कल ही आता हूँ। मुझे भी अपना साला ही समझिएगा। क्यों बे? अरे भाई, वो पोस्ट हाउस बहुत भीड़ होती है, मुझे भी अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है।